वेलकम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम जेट यादव। आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी होप सो आप सभी मस्त होंगे और अपना अभी जो प्रिपरेशन उसमें व्यस्त होंगे। और एक जरूरी बात है कि आप सभी का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया। जो एग्जाम डेट 16 जनवरी को है उसको जो है कि चेंज कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। बट जो एग्जैक्ट एग्जाम डेट है मैं उसको जो है कि अगली क्लास में क्वालिफाई करके आपको क्लियरली बताऊंगा। बट आज की इस क्लास में हम जो है कि मैट और सेट का जो एग्जामिनेशन में पेपर होते हैं, इस पेपर को सॉल्व करने के टिप्स और इनकी जो रणनीति है इसको आज के वीडियो में हम क्लियरली समझेंगे। उसके बाद हम अपने अब ठीक 7:30 बजे हम जो है कि डेली अब अपने इस चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे और वही उसी समय में हम जो है कि अपने जो भी टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं और अभी और टॉपिक्स कराने हैं और टॉपिक्स जो हो चुके हैं उसके क्वेश्चन को क्लियर भी कराएंगे। अब डेली क्लासेस होगी, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए ये जो है कि एक आप जानकारी है कि एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। जो एग्जाम जो है कि 16 जनवरी को था, आप सभी को पता ही है एग्जाम जो है कि 16 जनवरी को था। तो ये 16 जनवरी को अब जो है कि इसकी एग्जाम 16 जनवरी को नहीं है, इसको स्थगित कर दिया गया है। तो आई होप दोस्तों मैं जो है कि आप सभी को बताऊंगा कि एग्जाम एग्जैक्ट डेट पे कौन सी तारीख को है, ठीक है। तो आप सभी क्या हो, मेरा नाम तो पता ही है, मेरा नाम है जयप्रकाश यादव। और आप सभी ये जो मेरा जेपी यादव चैनल है, इसमें मैं नेशनल मिस का मेरिट परीक्षा और एनटीएससी राष्ट्रीय प्रतिभा कोष परीक्षा की तैयारी कराता हूँ। अगर आप इस कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आपको वही ऐसे जो लेटेस्ट अपडेट हो जो कि मिलते रहे, ठीक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जो मैट और सेट के जो पेपर्स होते हैं, एक मैट का होता है पेपर और एक सेट का, ठीक है। हमको यहाँ पर पता है कि ये 90-90 मार्क्स के होते हैं, सभी को पता है। अब इसके प्रश्नों को हमको कितने समय में और किस तरीके से सॉल्व करना है, इसके टिप्स आप जब आज जो कि बताएंगे और इसकी जो मेन रणनीति है पास होने की उसको भी आपको क्लियरली पता चल जाएगा। जिससे आप इस सूत्र से अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करते हो तो मैं बता रहा हूँ क्लियरली एग्जाम पास कर लोगे, ठीक है। आप जो है कि NMMSC, NTSC या आप सभी अगर SSC GD में यही सब जो रीजनिंग टॉपिक्स हैं, ये सब यही पे रहते हैं। रेलवे में जो रीजनिंग होते हैं ये इसी सब जो मैट में आपको रीजनिंग के टॉपिक देखने को मिलते हैं, वो जो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है ये जो मैट और सेट का जो है कि पेपर 90-90 मार्क्स के होते हैं, है ना। अब क्लियरली है कि आज के इस क्लास में मैं यही प्रिपरेशन करूंगा आप सभी को, मैं बता दूं, ठीक है। SSC, रेलवे, इन सब चीजों में ये जो है कि कॉमन रहते हैं रीजनिंग टॉपिक, ठीक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रिपरेशन यही करेंगे कि एग्जाम को खैर पोस्टपोन कर दिया गया है वो आपको इस वीडियो में पता चल गया, लेकिन एग्जैक्ट कौन सी डेट पे ये तो भी पता नहीं है। बट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर करा दूंगा। और आज के इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो मैट और सेट के जो पेपर्स होते हैं उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने के टिप्स है और जो मेन रणनीति एग्जाम को क्रॉस करने का वो आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। आज के इस क्लास में उसका क्लियरली आपके सामने उसको उस बात को रखा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करता हूँ मैं बिना किसी देरी के। और नए आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो नेशनल मिस का मेरिट परीक्षा और NTSC की तैयारी कर रहे हैं। मैं खास तौर पर इस चैनल पर इसकी तैयारी कराता हूँ, बट ये जो टॉपिक्स हैं ये रेलवे SSC में कॉमन है, इसलिए मैं यहाँ पे टॉपिक में जो है कि एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम, मैं उसका नाम यहाँ पे सीधा से नोट कर दिया। तो अब जो है कि हम बात कर रहे थे नेशनल मिस का मेरिट परीक्षा, है ना, और NTSC। तो इन दोनों जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है इसको मैं क्लियरली इस चैनल पे करा था। तो इसमें आपको दो पेपर देने होते हैं, एक मेट जो मेट बौद्धिक योग्यता होता है और एक सेट शैक्षिक योग्यता। तो मेंटल एबिलिटी है जो बौद्धिक योग्यता पेपर होते हैं उसमें क्या है, जो रीजनिंग का टॉपिक मैं अभी अपने चैनल पे वीडियो लेक्चर के थ्रू आप सभी को बताता हूँ वो सभी
रीजनिंग के टॉपिक्स मिलकर ये पूरे 90 प्रश्न बनाएंगे, 90 प्रश्न है ना, 90 क्वेश्चंस रहेंगे और ये 90 मार्क्स के रहेंगे। कहने का मतलब एक प्रश्न एक अंक का रहेगा और आपको समय दिया जाएगा 2.5 घंटे का, ठीक है, 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। अब इस 2.5 घंटे में 90 प्रश्न को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, उसको सही कैसे करना है और उसको पास करने की जो मेन रणनीति है आज के इस वीडियो में क्लियरली आपको बताया जाएगा। अब उसी प्रकार से हम शैक्षिक योग्यता की बात करें तो सेम पॉइंट इसमें भी है, इसमें भी 90 मार्क्स रहेंगे और 90 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, 90 मार्क्स और 90 प्रश्न क्वेश्चन रहेंगे। कहने का मतलब हर एक प्रश्न एक एक मार्क्स के होंगे और इसमें भी टाइमिंग 2.5 घंटे का ही रहता है, ठीक है। और इसमें क्या टॉपिक्स होते हैं मैं आपको बता दूं, अगर आप नेशनल मिस कर मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो यानी कि आप क्लास 8th में और इस एग्जाम को दे रहे हो तो आपको क्या करना है, साइंस और सोशल साइंस और मैथ्स इन तीनों सब्जेक्ट को, इन सब्जेक्ट के जो एनसीईआरटी बुक है आपको जो है कि आप देखिए क्लास 8th में तो आपको क्लास 8th का कोर्स कर रहे हैं एनसीईआरटी जो बुक दी जाती है उसमें साइंस सोशल साइंस और मैथ्स ये बुक तीन बुक है। इन तीनों बुक में आपको साइंस में क्या करना है, साइंस पार्ट में जितने भी हमने सीखा है, हमने सीखा जो पार्ट के लास्ट में दिया रहता है उसको आपको ध्यान से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ के अंडरलाइन कर लेना है। फिर आती है सोशल साइंस की बात, तो सोशल साइंस में क्या करना है, जो टॉप जो पार्ट है ना और पार्ट के जो मेन टॉपिक रहेंगे टॉपिक के बीच में आपको एक अच्छा सा पॉइंट देखने को मिलेगा, जैसे कि क्वेश्चन है, किसी का जन्म है, किसी का ध्यान है, किसी ने किसी चीज की शुरुआत की तो किसी ने किसी प्रथा की अंत की, तो ये सब चीजें जो है कि आपको देखने को मिलेगा, उस चीज को आपको वहां पे अंडरलाइन कर लेना है, मतलब कि डार्क लाइन से उसको अंडरलाइन कर लेना है ताकि आप जब बुक ओपन करो तो आपको उस पर नजर पड़े और वो चीज आपको याद रहे, क्योंकि सोशल साइंस के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो उसी पुस्तक के बीच में जो भी सन रहेंगे कि वो भी महापुरुष ने कितने सन में जन्म लिया, कहाँ लिया, उन्होंने किस तरीके से क्यों भी जो प्रथा है उस चीज की उस चीज को बंद कराया, तो ये सब चीजें जो आपको देखने को मिलेगी बुक जब आप रीड करोगे तब उस चीज को वहां पे अंडरलाइन कर लो। अब बात आती है मैथ्स की, तो मैथ्स में कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं जैसे कि मैं अभी नाम ले रहा उसको ध्यान से समझना, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समीकरण सॉल्व करना और उस समीकरण के अंतर्गत जो वर्ष वाले फंड रहते हैं जैसे कि क्वेश्चंस को आप देखोगे तब क्लियरली समझ जाएगा, मैं उसको करा दूंगा, समीकरण के क्वेश्चंस रहेंगे और उसके बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज रहेंगे, मिश्र धन ज्ञात करने का रहेगा और उसके अलावा जो क्षेत्रफल है, भिन्न है, भिन्नों का जोड़ घटाव है, जो भी आप जो क्लास 8 के लेवल में जो मैथ्स है उसको आप कर लें, बस ये आपको क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ एनटीएससी की, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी मैथ का वही टॉपिक रहेंगे रीजनिंग के, डरने वाली कोई बात नहीं, इसमें भी 90 मार्क्स करेंगे, बट आपका जो सेट पेपर रहेगा शैक्षिक योग्यता का उसमें आपको चेंजेस है क्योंकि आप क्लास 10th के हो तो आपको 10th का जो एनसीईआरटी साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ्स है, ये सब चीजें चेंजेस रहेंगी, तो आपको क्या करना है, जो भी आपके बुक है क्लास 10th वालों के लिए कि आपके पास साइंस की बुक है तो साइंस में जो भी हमने सीखा पॉइंट रहेगा उस पॉइंट को आपको अच्छे से याद कर लेना है ना, पढ़ना है उसको। सोशल साइंस में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी मेन पॉइंट रहेंगे उसको आपको डार्क लाइन से अंडरलाइन कर लेना है, बस। मैथ्स में आप जो भी आपके लेवल के हैं क्लास 10th में जो कोर्स है त्रिकोणमिति वगैरह और वो भी ये समीकरण राशियों की तुलना बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं इन सभी को आप कर लेना, जो भी संख्याएं हैं ये मैथ के अंदर जो मैथ्स के अंदर है जो भी आपके कोर्स में जिस लेवल के प्रश्न रहेंगे उस प्रश्न को आपको देख लेना है और सोशल साइंस में भी वही चीज करनी है कि जो चीज आपको अंडरलाइन करने लायक लगेगी है ना उस चीज को वहां पे आपको अंडरलाइन करके उस चीज को याद रखना है। साइंस में जो भी हमने सीखा दिया रहता है पार्ट के पीछे में
आप उसको याद करोगे तो क्लियरली आप सेट का जो पेपर उसको अच्छे स्कोरिंग के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि इन दोनों पेपर को किस तरीके से किस सही समय में हम सॉल्व करके आंसर सीट फिल करके इस एग्जाम को पास कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बताता हूँ, ये तो आपको क्लियरली है कि ये जो पेपर्स रहे ये आपके ढाई ढाई घंटे को मिलेंगे। अब मैं क्लियरली सीधा सा टाइमिंग के ऊपर बात करता हूँ। ठीक है, अब आप सबसे पहले जब एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो 5-10 मिनट आपको थोड़ा बहुत रेस्ट कर देंगे, उसके बाद आप बैठेंगे एग्जाम सेंटर में, उसके बाद सबसे पहले आपको मैट का पेपर देना होता है। ठीक है, तो इसमें पॉइंट वाइज रहेंगे, मैं आपको पॉइंट से बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर देखना है, देखने के बाद ये चीज करना है कि एक्साइट नहीं होना कि हाँ एकदम क्वेश्चन आसान आए हैं मैं इजिली सॉल्व कर लूंगा। आपको रिलैक्स रहना है, एकदम से रिलैक्स क्वेश्चन पेपर देखना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर देखिए, अच्छे से रीड कीजिए। ठीक है, और वैसे भी जो क्वेश्चन पेपर देखने के समय दिया जाता है, उसके बाद आता है आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको पहले अटेम्प्ट करो, फर्स्ट वीक में जो क्वेश्चन आते हैं ना उसको अटेम्प्ट करो, जो क्वेश्चन आते हैं उसे आप अटेम्प्ट करो पहली बार। अब जैसे ही आप इसको देखिए आपके सामने क्वेश्चन पेपर अलग रहेंगे, ओएमआर शीट अलग रहेगा, मैं ओएमआर शीट किस तरीके से फिल करना है ये चीज भी बताऊंगा। तो आपके सामने जो कि क्वेश्चन पेपर रहेंगे ओएमआर शीट रहेगा, तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे आपको फिल भी करते जाना है। जैसा कि मैंने क्वेश्चन पेपर में पहले जो प्रश्न है उसका आंसर डिफाइन कर लिया, उसका आंसर है ए, बाय द वे ए है, तो यहाँ पे जो ओएमआर शीट रहेगा वहां पे आपको चार बोले भी देखने को मिलेंगे, ए बी सी डी, ये ऐसा बोला जाएगा। ठीक है, तो ए इसका फाइनल आंसर है, तो ए इसका फाइनल आंसर, तो हमको यहाँ पे जो यहाँ पे बोला दिया रहेगा उसको पूरा फिल करना रहेगा। मेरा कहने का मतलब यह है जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं सॉल्व कर लिए हैं आप उसको ओएमआर शीट में फिल करते जाओ, क्योंकि आप इस चक्कर में अगर बैठे रहोगे कि मैं सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूंगा फिर ओएमआर शीट को भरूंगा, तो इस चक्कर में जो है कि लेट हो जाता है। आप एग्जाम सेंटर में जैसे ही जाते हो क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो, जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे क्या हो रहा है, तो हमको टाइमिंग का भी ध्यान रखना है क्योंकि टाइमिंग हमारे पास 2 घंटे है, तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसको अटेम्प्ट करो, उसके बाद वो जब उसका आंसर आपको डिफाइंड होता है उसको ओएमआर शीट में आप सबसे पहले फिल करो। अब जो क्वेश्चन आते हैं उसको आपने अटेम्प्ट करके सॉल्व करके ओएमआर शीट में आपको फिल कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है। अब आप जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उसमें भी अटेम्प्ट करो और उसमें तुक्का लगाओ, क्योंकि इस एग्जाम में माइनस मार्किंग तो बिल्कुल नहीं है। अब जितने हो सके क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ही आपके मार्क्स ज्यादा आने के चांसेस रहेंगे, इसीलिए आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़िए मत, सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। आप देखिए फर्स्ट टिप्स ये था कि जो क्वेश्चन आपको आते थे उसको तो आपने अटेम्प्ट कर लिया, अच्छी बात है, और अटेम्प्ट करने के बाद जो आपने आंसर डिफाइन किया है उनको आप फिल कर लीजिए, क्योंकि टाइमिंग का कोई नहीं रहता, आपको पता नहीं चलता जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो कब टाइमिंग होता है, इसीलिए आप टाइमिंग का ध्यान रखते हुए जो क्वेश्चन आ रहा है उसको अटेम्प्ट करके उसको ओएमआर शीट में फिल कर दो उसका आंसर। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको किस तरीके से आपको डिफाइन करना है। देखिए आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसमें आप तुक्का लगाइए और जितना हो सके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको जो है कि मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग वाली बात बिल्कुल नहीं की गई है, ये एग्जाम माइनस मार्किंग वाला नहीं है, जो एनएमएससी और एनडीएससी कॉम्पिटिशन एग्जाम है ये बिल्कुल भी माइनस मार्किंग का ये हमको नहीं बोलता, ये इसका नियम फॉलो नहीं करता माइनस मार्किंग का, इसलिए आप जितने क्वेश्चन हो अटेम्प्ट करें जिससे आपके मार्क्स बढ़ने के चांस बढ़ जाए। आपको जो क्वेश्चन आते हैं उसको आपने अटेम्प्ट करके आंसर शीट में फिल कर दिया। फिर सेकेंड क्वेश्चन जो टिप है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसमें आप तुक्का लगाइए। देखिए बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं
उसके बाद तुक्का के थ्रू एग्जाम्पल ऑस्कर लेते हैं, क्योंकि उनको तुक्का का जो मेन ट्रिक है वो उसको पता रहता है। तो देखिए तुक्का देखिए किस तरीके से लगाया जाता है, क्लियरली बता रहा। देखिए इसमें ऑप्शन वाले में कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्या होता है पता है। अब बाय द वे यहाँ पे हम मान लेते हैं ये 100 मार्क्स के हैं, तो इसमें हमको 4 ऑप्शन रहेंगे ए बी सी डी। तो इन ए बी सी डी में क्या रहेगा पता है, ए ऑप्शन 25 रहेंगे, मतलब जो आंसर रहेंगे ना वो किसी भी कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जो ए बी सी डी यहाँ पे आपको 4 नंबर्स देखने को मिलेगा ए बी और सी डी, ठीक है। तो ना इसमें क्या होता है, ए के 25 ऑप्शन रहेंगे, बी के भी 25, सभी के 25 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। अब उसमें ये तुक्का का ट्रिक है बता रहा हूँ। अब यहाँ पे 25-25 रहेंगे क्योंकि इसको जब क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो उससे पहले ब्लूप्रिंट देखा जाता है। तो ब्लूप्रिंट भी ये होता है कि ए के कितने, मतलब जो ए के है, ए के तुक्का जो ए का आंसर है वो कितना होगा। बाय द वे यहाँ पे ए का 25 है, बी का ऑप्शन भी 25 है, तो सभी का यहाँ पे हमने 25 माना है। तो आपको जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट आया उसको अपने ओएम आर्सिक में फिल किया, तो आप ये देखोगे कि मैंने ए का किसमें जो है कि ए का कितना जो है कि फिल कर लिया है, बी का कितना कर लिया है, सी का कितना कर लिया है, डी का। तो आप इस चीज को देख सकते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया उसको ओएम आर्सिक में फिल किया, तो आप ये देखेंगे कि इन 25-25 में मैंने कितने कितने जो है कि इन सभी ऑप्शंस में से फिल कर लिए हैं। तो ए के 25 ऑप्शन में से बाय द वे आपने 10 फिल कर लिया, अब बचा 15, है ना। उसी प्रकार से इसमें भी है ना। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे 25-25 ऑप्शंस रहते हैं है ना, ये हमने अभी आपको बताया। बाय द वे यहाँ पे अगर 90 प्रश्न है तो उसमें हो सकता है कुछ कम ज्यादा हो, लेकिन हमने इसलिए 100 दिए हैं, 4 ऑप्शन है। तो इन 4 ऑप्शन में जो 25 ऑप्शन है, 25 जो ए रहेंगे वो इसका आंसर होगा, किसी भी हो बी का भी वही रहेगा, क्योंकि जो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है इन्हीं 4 ऑप्शंस पे हमको आंसर करना है। तो इसीलिए जो इसमें जो आपको मेन तरीका है ये समझना है कि ए बी सी डी के 25-25 में से मैंने कितने कितने फिल कर लिए हैं। अब उतना बच रहा है, जब क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको ये चीज रहेगा कि आपके मन में जो क्वेश्चन नहीं आता ना, तो आपको ये चीज जरूर लगेगा कि हाँ कि कोई ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डाउट है कि ये हो सकता है, लेकिन आप तुक्का के ट्रिक के थ्रू आप इस चीज को क्लियर कर सकते हो। जैसे कि आपने ए का 25 मतलब 25 कर लिया, बी का भी 25 कर लिया, अब सी और डी बचा है, तो आपको सी और डी ऑप्शंस रहेंगे, तो उसमें आपको क्या करना है, जो डी ऑप्शन है वो आपको एकदम से अलग लगेगा, लेकिन जो सी ऑप्शन है वो आपको थोड़ा बहुत मिलता जुलता लगेगा, और आप यहाँ पे पूरा 25-25 इसको फील कर लियो, और यहाँ पे सी का मतलब आपको लग रहा है कि वो है और डी एकदम से अलग है, तो आपका जो सी है वही एकदम से क्लियरली आंसर होगा। क्योंकि इस तरीके से आप जितने जो ए बी सी डी के 25-25 ऑप्शन रहेंगे उसमें से आप कितने फील कर लिए हो इस चीज के देखो, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको ध्यान से देखना, और उस चीज में जो चीज आपको मिलती जुलती लगेगी ऑप्शन में उसमें उसको देखना, और वो चीज लग रहा है ना तो उसके ऑप्शनल चेक कर लेना क्योंकि इसके ऑप्शन कितने फिल हो गए हैं। अब उस हिसाब से आप उस आंसर को अच्छे तरीके से डिफाइन करके तुक्का के ट्रिक के थ्रू एग्जाम में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, एग्जाम अच्छे तरीके से परफॉर्म करके मार्क्स भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। ये 90 मार्क्स का रहेंगे, और इसमें हम लोग जब थे तो 90-90 180 है ना, 180 में जो कट ऑफ था वो 85 और हम लोग जनरल कैटेगरी से डाले थे क्योंकि हम लोगों का जो है कि जाति प्रमाण पत्र नहीं था है ना, जो हम लोगों का जाति प्रमाण पत्र है वो नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने जनरल से डाला। तो जनरल को मतलब कैटेगरी वाइज होता है कट ऑफ, लेकिन जो मेन कट ऑफ है वो 85 था, 85 तक सिलेक्शन होना था, तो हर साल अलग अलग कट ऑफ होते हैं, तो इस हिसाब से आपको एग्जाम को पढ़ना है और क्रॉस करना है। आपको देखिए जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको बिल्कुल भी छोड़िए मत, आप उसको अटेम्प्ट करो और ऑप्शनल चेक करो कि कितने कितने ऑप्शन मैंने फिल किए हैं,
उस हिसाब से आप टुकड़ा करके जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उसको भी सॉल्व करो, ताकि आपके जो मार्क्स आने की चांसेस हैं वो ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं हो। तो ये रहा मैट एबिलिटी की जो एग्जाम है उसको क्रॉस करने का मेन तरीका, जो इसका मेन रणनीति है कि किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। और आपको टाइमिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको कहीं ना कहीं 10-15 मिनट पहले सॉल्व कर लेना है, उसके बाद ध्यान से चेक करना है कि हाँ मैंने जो ऑप्शन डिफाइन किए हैं आंसर तो उसमें मैंने सही फील किया है नहीं, है ना। तो इस चीज को भी आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब ये तो रहा मेंटल एबिलिटी जो एग्जाम है उसको क्रॉस करने की जो मेन रणनीति है वो। आप सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं उसको अटेम्प्ट करके फील करो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप तुक्का जो ट्रिक है उस ट्रिक के थ्रू सॉल्व करो, है ना। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे, जितने ऑप्शन आपने फील कर लिए, जैसे कि ए के आपने ज्यादा ऑप्शन फील कर लिए हैं और बी के कम है, सी के भी ज्यादा है, डी के भी ज्यादा है, तो आप बी के जो है फील करते जाओ। क्योंकि बी के मतलब बराबर आप फील करोगी ना सभी ऑप्शन में, तो आपको ना इस ट्रिक के थ्रू आपको मार्क्स जो है बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो इस तुक्का के ट्रिक के थ्रू आप एग्जाम में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उसमें भी। ये रहा मेंटल एबिलिटी जो एग्जाम है उसको पास करने की मेन रणनीति, और जो कट ऑफ है उसका भी वीडियो में जल्द से जल्द लाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये रहा मेंटल एबिलिटी एग्जाम को जो पास करने की रणनीति है वो। अब हम जो सेट एबिलिटी शैक्षिक योग्यता पेपर है उसको सॉल्व करना है और किस तरीके से उसमें भी हमको पास करना है वो भी अभी इस वीडियो में अब मैं बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखते रहो और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ढेर सारा प्यार दो। तो चलिए अब मैं आप जो सेट एबिलिटी पेपर है उसको पास करने की जो टिप्स है उसको बताऊंगा। तो अब हम बात करते हैं जो सेट पेपर है उसको सॉल्व करने का, कि किस तरीके से उसको हम किस ट्रिक के थ्रू अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली टिप्स ये है कि आप जान लो अपने सोशल के पेपर जो सोशल के जो प्रश्न है ना, सोशल के प्रश्न आपके 35 अंक के रहेंगे, 35 प्रश्न रहेंगे। साइंस में भी वही है, साइंस में भी आपको 35 प्रश्न रहेंगे 35 अंक के। अब बात आती है मैथ्स गणित, इसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे, कुल हो जाएंगे 90 प्रश्न। तो आपको क्या करना है सेट पेपर में, देखिए अगर आप बाय द वे एनएमएस को दिला रहे हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट कर रहे हो, क्लास 8 से हो, तो आपको जो अपने 8th के सिलेबस में जो एनसीईआरटी बुक मिली है उस बुक में आप जो सोशल साइंस है और साइंस है और मैथ्स है, इन तीनों सब्जेक्ट को आपको एकदम से बारीकी से पढ़ना होगा, तब जाके आप सेट का पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। सेट को पेपर से जो पेपर हमको दिया रहता है उसको किस तरीके से और किस वे में, किसको पहले करना है, किसको ज़्यादा टाइम देना है, किस में टाइम को अच्छे से उसमें इन्वेस्ट करके उसको अच्छा खासा बना सके, ये चीज़ बात करेंगे। बट पहली बात हम ये क्लियर करते हैं, अगर आप इन दोनों कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइल कर रहे हो तो अपने 8th और 10th में जो सिलेबस के जो एनसीईआरटी बुक है उसको आपको बारीकी से पढ़ना होगा, सोशल साइंस है, साइंस है और मैथ्स है। तो इन तीनों जो सब्जेक्ट है उनमें से जो 35 प्रश्न वो सोशल से करेंगे और साइंस से 35 प्रश्न रहेंगे, मैथ्स से 20 प्रश्न रहेंगे। तो जो सोशल साइंस और साइंस है उसको आपको थोड़ा सा बारीकी से पढ़ना है, जो मेन चीज़ें रहती हैं, है ना, सोशल में किसका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ का शासक था, उन्होंने क्या चीज़ निर्माण कराया, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो मेन इम्पोर्टेंट है, उसको आपको अंडरलाइन करते हुए उसको पढ़ना है और अपने माइंड में याद रखना है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहीं पे क्लियरली करना है कि जो भी सोशल साइंस और साइंस के आपके सिलेबस में एनसीईआरटी बुक है उसको आपको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको मैथ्स का, मैथ्स में केवल हमको 20 प्रश्न पूछेंगे तो हमको उतना उसमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मेन जो टॉपिक्स रहते हैं जो सभी में कॉमन है उन्हीं को देखना है हमें, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ, जैसे आपको सेट का पेपर मिलता है तो आप सबसे पहले
सबसे पहले आप साइंस पे फोकस करें या सोशल साइंस पे? आप सबसे पहले पॉइंट मेरा मानूं तो आप सोशल पे पहले फोकस करें, ठीक है? सोशल पे आप सोशल साइंस पे पहले फोकस करो। देखिए उसमें जो प्रश्न आपको दिए रहेंगे उसके या तो आपको आंसर एग्जैक्ट पता रहेगा या तो डाउट रहेगा तो नहीं पता रहेगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पे सोशल साइंस में जो बुक है जो पेपर रहेगा तो उसमें जिसके क्वेश्चन है इसमें जो इसके आंसर रहेंगे उसको आपको एग्जैक्ट पता होगा। साइंस में भी यही है कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आपको पता रहेगा और कुछ भी पता नहीं रहेगा, ठीक है? तो आपको सबसे पहले सोशल साइंस और साइंस में टाइम देना है क्योंकि उसमें हमको जो है कि हमको उसमें ज़्यादा टाइम लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो चीज़ हम पढ़े हैं वो हमारे माइंड में है और वो जो प्रश्न रहेगा उसका हमको एग्जैक्ट आकर हमको आंसर पता है तो हमको सीधे सीधा आंसर में हम फील कर सकते हैं कि हाँ ये इसका आंसर है। बट कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका आंसर हमें नहीं पता है तो उनमें हमको तुक्के लगाने हैं। तुक्के किस तरीके से लगाने हैं इसका मेथड भी मैंने बताया तो उसमें आप तुक्का का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब जो आपको पता है एग्जैक्ट पता है उसको आप आराम से फील कीजिए, है ना? अब आपको साइंस और सोशल साइंस में ही सबसे पहले घुसना है क्योंकि इन्हीं चीज़ों को आप देखिए इसमें हम जो पढ़े रहेंगे उस चीज़ को हमको याद रहेगा तो हम सीधा उसको फटाफट ये होगा इसमें ज़्यादा टाइम लेने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का हमको कैलकुलेशन नहीं कर रहा है। सीधा सीधा हमको क्वेश्चन का आंसर पता रहना चाहिए क्योंकि हमको जो बुक है उसको बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, इसीलिए आप बुक को अच्छे तरीके से पढ़िए रीड कीजिए। अब ठीक है आप इसी में सबसे पहले टाइम दीजिए सोशल साइंस और साइंस में, है ना? ये जो है कि इसमें हमको क्वेश्चंस के आंसर पता रहेंगे एग्जैक्ट पता रहेंगे हम उसको इसी तरीके से फील कर पाएंगे। अब जो नहीं पता है उसको आपको या तो छोड़ देना है या तो वहाँ पे वहीं पे उसी समय तुक्के के ट्रिक के थ्रू उसको भी जो है कि उसका आंसर डिपेंड करना है लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपके जो मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं वो बढ़ जाए अधिक हो जाए। लास्ट में जो थर्ड काम है वो आपको जितना हो सके इन दोनों को जो सोशल साइंस और साइंस है उसमें आप पूरा टाइम मतलब कि आप इसमें प्रश्न को सॉल्व करने के बाद जो पूरा पूरा टाइम बचता है उसमें आप पूरा मैथ्स को सॉल्व करो क्योंकि मैथ्स में हमको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता होती है इसीलिए इसमें टाइम होता है। तो आप सबसे पहले अगर इसको पहले मैथ्स में घुस जाओगे तो ये सारा टाइम खा जाएगा और जो आपको पता रहेगा सोशल साइंस और साइंस में वो भी आपसे छूट जाएगा। इसीलिए आप सोशल साइंस और साइंस में जो चीज़ें पता है उसको आप पहले कीजिए। मैथ्स में जो क्या है कि कैलकुलेशन करना पड़ता है हमको आंसर डिफाइन करना पड़ता है हमको एग्जैक्ट पता नहीं रहता उसमें हमको संक्रिया करनी पड़ती है इसलिए आप सबसे पहले जो सबसे पहले सोशल साइंस और साइंस को टाइम लेकर के उसमें घुसो और उसको जब हो जाता है तब आपके पास जो पूरा टाइम बचता है उसमें आप मैथ्स का करो तब जाके आपका जो पेपर है वो एग्जैक्ट और सही टाइमिंग पे बन पाता है क्योंकि आप पहले मैथ्स पे टाइम दोगे तो वो पूरा टाइम खा जाता है और सोशल साइंस और साइंस के लिए टाइम बच नहीं पाता। इसीलिए आप सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करो इनके और इनके प्रश्न भी अधिक रहेंगे 35-35 प्रश्न हैं, है ना? तो इसीलिए आप इसमें जो और चीज़ें आपको पता रहेंगी वो आप सीधा सीधा डिफाइन कर सकते हो तो इसमें किसी भी प्रकार की उतनी टाइम की आवश्यकता नहीं होगी। बट मैथ्स में हमको कैलकुलेशन की आवश्यकता है तो इसमें जो है कि टाइमिंग लगेगा ही लगेगा। इसलिए आप दोस्तों हमें जो है कि सोशल साइंस और साइंस को पहले देखना है उसके बाद मैथ्स को सॉल्व करना है। तो ये है सेट पेपर को सॉल्व करने की ट्रिक और यही है बड़े रणनीति पेपर को पास करने का। देखिए जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसका आंसर आप डिफाइन कीजिए और जो नहीं आ रहा है उसको आप तुक्का के ट्रिक के थ्रू अटेम्प्ट करो लेकिन क्वेश्चन छोड़ो मत क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आप सभी जितना हो सके क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे उतने आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि देखिए आप स्कूली लेवल पे क्या हो ये मत देखो। आप देखिए क्योंकि क्या होते हैं कई लोग एकदम से ना स्कूल लेवल पे कमज़ोर होते हैं लेकिन जब स्कूल से बाहर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स वगैरह में जब उन लोग जुड़ जाते हैं ना तो उन लोग फिर मतलब एकदम से उन लोगों के अंदर एक जुनून होता है एक अलग ही मोटिवेशन होता है और उन लोग ना कॉम्पिटिशन एग्जाम में ही झंडे गाड़ते हैं
और वो सही भी है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आपको पूरा पूरा बहुत सारे बच्चों से फाइट करना रहता है, और उसमें जब आप जो है कि प्रथम रैंक, सेकंड रैंक, ऐसे रैंक से आप पास करते हो तो उसमें आपका अलग ही पहचान रहता है। इसीलिए दोस्तों कंपटीशन एग्जाम से अगर आपकी आदत अभी से बनी रहेगी तो इन फ्यूचर आप अच्छे तरीके से एग्जाम फाइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट्स है एग्जाम को दिलाने का। अगर आप पास कर लेते हो तो और भी ज्यादा बेनिफिट्स है, नहीं भी करते हो तो आप सबको इन कॉम्पिटिशन की आदत सी पड़ जाएगी, हैबिट सी पड़ जाएगी, तो आपको उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा जब आप ऐसे एग्जाम से जुड़ोगे, क्योंकि हमको अगर कुछ करना है अपने लाइफ में तो इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन पेपर देखना है, और आप जिस तरीके से मैंने बताया अगर आप उस रूल्स के थ्रू आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करके सब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इजी तरीके से आप सिलेक्शन पा सकते हो। और आपको बुक को बारीकी से पढ़ना है, जो चीज़ें हैं उस चीज़ों को अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। इसमें सोशल साइंस में होता क्या है, भूगोल के पोर्शन से उतना क्वेश्चन हमको नहीं दिया जाता, वहाँ पर सिर्फ जलवायु कैसी है, राज्य की राजधानी कैसी कहाँ है, ये बेहतर तरीके से पूछा जाता है। बाकी आप जो है कि इतिहास और जो नागरिक शास्त्र है, इधर जो क्या बोलते हैं राजनीति है, इन सब चीज़ों को आप जो है कि एकदम से पढ़िएगा, रीड कीजिएगा, क्योंकि उन्हीं से अधिकतर प्रश्न आते हैं सोशल साइंस में। साइंस में आपको हमने सीखा जो दिया रहता है पार्ट के एंड में, उस चीज़ को बारीकी से पढ़ना है, आप आसानी से साइंस में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अगर आप हमने सीखा को बारीकी से पढ़ लें। मैथ्स में आपको 20 प्रश्न रहेंगे, तो इसमें हमको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो एकदम से कॉमन टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है उसे पढ़ना है, और इसको सबसे पहले हमको इसके इसे ही हमको लास्ट में सॉल्व करना है, क्योंकि जो सोशल साइंस और साइंस में जो पता है उसमें हमको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मैथ्स में हमको टाइम लगेगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, इसलिए आप इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। और यही रणनीति के थ्रू आप इस NTSC और NMS एग्जाम को क्रॉस कर सकते हो, और यही इसका मूल मंत्र है इस एग्जाम को पास करने का। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिया होगा तो एक लाइक मेरे लिए, एंड आप सभी इस चैनल को सपोर्ट बनाए रखो ताकि मैं इस चीज़ पे अब ऐसे ही बेनिफिट्स प्रॉफिट्स आप सभी के लिए लाते रहूँ, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो प्रिपरेशन क्लास है उसमें, और ये जो पास करने की रणनीति का ये जो क्लास है मैं इसलिए इम्पोर्टेंस और इसको इम्पोर्टेंस दिया क्योंकि आपको इनकी जो पास करने की जो मेन रणनीति है ये आप पता रहेगा, और आपके मन में एक अब अंदर से जुनून आ जाएगा ना, तो आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे रखा। अब हम फाइनली एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाए, इसलिए हम डेली क्लासेस कर लेंगे और जितना हो सके हम टॉपिक्स पढ़ करके कवर करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और वैसे भी मैंने क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा दिए हैं, आप जो है कि उस वीडियो को जाकर के देख सकते हो, या तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देख करके जो भी पीछे करके क्वेश्चन है पेपर है उसको आप सॉल्व करो, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना डाउट्स क्लियर रहेगा और उतने अच्छे से तुम एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, टेक केयर।